आकाश चोपड़ा ने दिया बड़ा बयान, बताया कौन से छह ऑलराउंडर मिलकर बनाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से चैंपियन, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट के अलावा प्रैक्टिस से जुड़े वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 का सीजन शुरू होने वाला है। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला चेन्नई में ही खेला जाना है जो कि 22 मार्च को शाम 7:30 पर शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है और खिताब जीतने की प्रबल दावेदार होगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हमें ज्यादा बदलाव भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमें ज्यादातर वही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं जो पिछले सीजन में इस टीम को चैंपियन बना चुके हैं। हालांकि यहां पर कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और इस टीम को जीत दिला सकते हैं। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि बाकी टीमों की तुलना में चेन्नई सुपर किंग्स के पास सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ऐसे ऑलराउंडर हैं जो इस टीम को एक बार फिर से चैंपियन बना सकते हैं। आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल, मोइन अली, रविंद्र जडेजा के नाम लिए। अब हम आपको बताते हैं उन छह ऑलराउंडर्स के बारे में जो चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर पहला नाम है शिवम दुबे का। पहले खबरें आई थी कि शिवम दुबे चोटिल चल रहे हैं और शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको बता दें शिवम दुबे को फिट घोषित कर दिया गया है और वो पहले ही मुकाबले से उपलब्ध रहने वाले हैं। शिवम दुबे ने पिछले सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और वो इस सीजन में भी कमाल करना चाहेंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा का। अगर पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में पांचवी बार चैंपियन बनी थी तो उसमें रविंद्र जडेजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। रविंद्र जडेजा ने आखिरी दो गेंदों पर 10 रन बनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया था। रविंद्र जडेजा इस सीजन में न सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मोइन अली का। मोइन अली दिग्गज ऑलराउंडर माने जाते हैं। हालांकि पिछला सीजन मोइन अली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने उन्हें रिटेन किया है। उम्मीद है कि वो इस सीजन में जबरदस्त वापसी करेंगे। यहाँ पर चौथा नाम रचिन रविंद्र का है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रचिन रविंद्र को 1.8 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। रचिन रविंद्र इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। रचिन रविंद्र जहाँ टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे तो जरूरत पड़ने पर अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी कमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में पांचवा नाम है डैरल मिचेल का। डैरल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 14.25 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। डैरल मिचेल एक बेहतरीन बल्लेबाज है, हालांकि जरूरत पड़ने पर मध्यम गति से गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में छठवां नाम है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कुछ बेहतरीन पारियां खेली थी। शार्दुल ठाकुर की चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हुई है और वो आईपीएल 2024 में कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 में एक बार फिर से चैंपियन बनेगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।